हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नर्सिंग अकेडमी द न्यू वर्ल्ड वीडियो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेल बेस्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग की एग्जाम में हमने देखा है कि कम से कम इमेज बेस्ड हमारे 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो दोस्तों, आज हम उसी के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप के इमेज बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उसके सोल्यूशन क्या होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी साथ के साथ प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि जो भी मैं वीडियो अपडेट करूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, डिस्कस करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट सेशन बेस्ड ऑन इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो दोस्तों, इसके और भी पार्ट्स आएंगे, आज हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, आइडेंटिफाई द साइज ऑफ केनला। तो साइज ऑफ कैनला के रिगार्डिंग पूछा गया है, तो ये कौन से साइज का कैनला आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास 14 गेज, ऑप्शन ए 18 गेज, ऑप्शन सी 26 गेज, ऑप्शन डी 24 गेज। तो क्या आंसर होगा दोस्तों, आंसर पुट कीजिए। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर देइए, जो ओएस का कैनला है उसके रिगार्डिंग पूछा गया, वो कौन से गेज का है। देखिए दोस्तों, क्या आंसर होगा। सो दोस्तों, जो ओ एच का कैनला होता है वो मार्क 14 गेज का कैनला होता है, ठीक है। सबसे लार्ज गोज का जो कैनला होता है वो मार्क, सबसे लार्ज गोज का कैनला है हमारा ओ एच के लिए, ठीक है। अब कुछ मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कैनला के साइज के रिगार्डिंग बता देती हूँ, जो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कलर का कैनला किस किसका होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, 14 गेज का होता है हमारा ऑरेंज, 16 गेज का होता है हमारा ग्रे, 18 गेज का होता है हमारा ग्रीन, 20 गेज का होता है पिंक, 22 गेज का होता है ब्लू, 24 गेज का होता है येलो एंड 26 गेज का होता है पर्पल। जितना गेज इंक्रीज होता है, जितना गेज डिक्रीज होता है, उतना ही साइज ऑफ कैनला जो होता है इंक्रीज होता है, ठीक है। गेज जितना डिक्रीज होगा, साइज ऑफ कैनला जो है उतना इंक्रीज होगा। अगर आपको इसको याद करने का तरीका बताऊं तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ओ ग्रेट गॉड प्लीज ब्लेस योर पीपल्स, जिसमें ओ का मतलब ऑरेंज है हमारा, जी का मतलब ग्रीन है, अगेन जी का मतलब ग्रे है, अगेन जी का मतलब ग्रीन है, ई का मतलब पिंक है, बी का मतलब ब्लू है, वाई का मतलब येलो है, एंड पी का मतलब पीपल पर्पल, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कलर होते हैं विद देयर कलर कोडिंग के हिसाब से मैंने आपको बताया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज गिवन इन पिक्चर इज यूज, जो इंस्ट्रूमेंट इस पिक्चर में दिखाया गया है वो किस लिए यूज होता है। तो बताइए दोस्तों, किस लिए यूज होता है। आपके पास ऑप्शन है थायरेक्टोमी, ऑप्शन बी थायरेक्टोमी, ऑप्शन सी लारिंजेक्टोमी, ऑप्शन डी अपेंडेक्टोमी। किस चीज के लिए ये यूज होता है दोस्तों, आंसर खुद कीजिए। तो दोस्तों देखिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, सबसे पहले तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए, इसका नाम क्या है, जोली थायरॉइड रिट्रैक्टर विथ टू सेल रिट्रैक्टिंग पिंचर। टू सेल्स रिटेनिंग पिंचर, ठीक है, ये इसका नाम है, इसको जोली थायरॉइड रिट्रैक्टर के नाम से जानते हैं। तो अब आपको तो समझ आई गया होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि थायरॉइड रिट्रैक्टर है, तो किसमें यूज होगा हमारा, थायरॉइडेक्टमी में यूज होगा, किसमें यूज होगा हमारा, थायरॉइडेक्टमी में यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेम ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, जो स्टूडियो में इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया, इस फोटो में इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया, उसका नाम बताना आपको क्या है। ऑप्शन ए है आपके पास इलेक्ट्रिक पेन, ऑप्शन ए क्या आपके पास इलेक्ट्रिक पेन, ऑप्शन बी मोनोपोलर पोट्री, ऑप्शन सी बाइपोलर पोट्री, ऑप्शन डी मोनोपोलर। तो जो ये इंस्ट्रूमेंट आपको फोटो में दिखाया गया, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा पुटकी से, ये ध्यान से देखिए ये क्या दिखाया गया। दोस्तों इसका आंसर होगा दिस इज कॉल्ड मोनोपोलर पॉट्री, ये हमारे कौन से मोनोपोलर पॉट्री होती है, ठीक है, जिसमें करंट एक ही डायरेक्शन से फॉलो होता है, ठीक है। जो हमारी बाइपोलर पॉट्री कैसे होती है उसके रिगार्डिंग में आपको दिखा दूँ, दिस इज कॉल्ड अवर बाइपोलर पॉट्री, जिसमें दो डायरेक्शन से हमारा करंट वो होता है फॉलो, ठीक है। इसमें दो वे बने हुए हैं, आपने दिखाई दिया ध्यान से, इसके दो वे बने हुए हैं, माउथ बने हुए हैं जहाँ से करंट फॉलो होता है। वही अगर मोनोपोलर की बात करें तो उसमें एक ही माउथ है जहाँ से करंट जाता भी है और आता भी है, तो इसमें क्या एक सेकंड जाता है, एक सेकंड क्या होता है रिवर्ट बैक होता है, दिस इज कॉल्ड बाइपोलर पॉट्री, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज, फॉलोइंग इमेज को आइडेंटिफाई करना है क्या है, तो आपके पास ऑप्शन है इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी मशीन, रेडिएंट वार्मर और प्लाज्मा पैरासिस मशीन। तो ये क्या है मशीन आपके सामने जो दिखाई गई है, कौन सा पुट कीजिए। तो दोस्तों अगर आपने इस इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से देखा, उसमें ब्लू ब्लू लाइट और व्हाइट व्हाइट लाइट आ गया, तो एक वार्मर सा बना हुआ, एक चैम्बर सा बना हुआ, तो मेनली ये यूज किया जाता है अगर आपको पता हो, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ लाइट ट्रीटमेंट है, ठीक है। मेनली किसमें किया जाता है, न्यू बोर्न में किया जाता है, न्यू बोर्न में हम इसका यूज करते हैं, जब बच्चों को क्या होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, उसको ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये क्या है, फोटोथेरेपी मशीन है, जिसमें हमारी क्या होती है, चार हमारी ब्लू लाइट होती है, टू हमारी व्हाइट लाइट होती है। ब्लू लाइट किसकी होती है, जिसमें हम फोटोथेरेपी का ब्लू लाइट मेनली ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, और जो हमारी व्हाइट लाइट होती है वो पेपू का एग्जामिन करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले देख लीजिए, जो मैंने आपको ऑप्शन देखते थे आपको उसका भी पता होना चाहिए। प्लाज्मा फेरेसिस मशीन कैसी होती है हमारी, ये प्लाज्मा फेरेसिस मशीन है, जिसमें प्लाज्मा यहाँ से ब्लड कनेक्ट होता है और यहाँ मशीनों से जाके हमारा पूरा इंटीग्रेट में कलेक्ट होता है, अंदर जाकर कलेक्ट होता है, ये पूरा एक चैम्बर से बना हुआ है ऐसे ऐसे, ये पूरा प्लाज्मा फेरेसिस का यूज होता है। रेडिएंट वार्मर वो होता है, जैसे ही बेबी डिलीवर होता है उसको हम एक ड्रम उसमें रखते हैं, इन्वायरमेंट में रखते हैं, रेडिएंट वार्मर जिसमें हम बेबी को रखते हैं। देन इंक्यूबेटर होता है, जिसमें बेबी को इंक्यूबेट करके रखा जाता है, दिस इज कॉल्ड बेबी इंक्यूबेटर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट गिवन बिलो, इसका नाम बताना जो इंस्ट्रूमेंट किया हुआ है आप लोगों को। तो ऑप्शन है आपके पास रेटिनोस्कोप, ऑप्शन बी है ओटोस्कोप, ऑप्शन सी है थर्मोस्कोप, ऑप्शन डी है माइक्रोस्कोप। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, आंसर पुट कीजिए। तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड ऑटोस्कोप, ऑटोस्कोप है ये हमारा। ऑटोस्कोप का यूज क्या होता है, मैंने किसी पेशेंट के किसी उसके ईयर कैनाल को विजुलाइज करने के लिए जो यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड ऑटोस्कोप। तो माने ईयर स्कोप माने विजुलाइज करना, ओके। अब हम बात करते हैं रेटिनास्कोप, ऑप्थेल्मोस्कोप और माइक्रोस्कोप कौन कौन से होते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो दिस इज कॉल्ड आवर माइक्रोस्कोप, जिसमें मिनिमम जो छोटे से छोटे जो भी कीटाणु होते हैं हमारे कुछ भी उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं। और दिस इज द ऑप्थेल्मोस्कोप और रेटिनोस्कोप इज द सेम, जिससे हम पेशेंट की आई, ऑप्थेल्मो मतलब आई, स्कोप मैंने देख, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑप्थेल्मोस्कोप या फिर रेटिनोस्कोप भी होते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द सिंबल्स शोइंग इन फोटोग्राफ। ये कौन सा सिंबल्स है और किस चीज में यूज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है। ऑप्शन ए आपके पास रेडिएशन हजार्ड, ऑप्शन बी है बायो हजार्ड वेस्ट, ऑप्शन सी है साइटोटॉक्सिक वेस्ट, ऑप्शन डी है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये सिंबल किस चीज का, ऑप्शन पुट कीजिए आपके पास। तो जो ये सिंबल जो आपके इसमें दिखाया गया है, द सिंबल्स बिलोंग्स टू वेरिएशन हजार्ड्स। आपको सिंबल दिखाया गया है, ये किसका है? वेरिएशन हजार्ड्स का सिंबल है। सो मैं आपको बाकी सिम के भी सिंबल्स दिखा देती हूँ कि बायोजार्ड और साइटोटॉक्सिक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का सिंबल्स क्या होता है। दिस इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का सिंबल सही अमाउंट, दिस इज कॉल्ड बायोजार्ड वेस्ट, एंड जब किसी उसमें सी के साथ मेंशन हो येलो सी, दैट इज कॉल्ड साइटोटॉक्सिक वेस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपडेट करूँ उसका इन्फॉर्मेशन आपको पहुंच जाए। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं क्या करूँ, वट इज द नेम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन डन टू डायग्नोज द इन्फेक्शन विद ट्यूबरकुलोसिस। जो पिक्चर में इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म किया जाता है वो इन्वेस्टिगेशन का नाम पूछा गया। आपके पास है आईजी आ गए, ऑप्शन बी मॉन्टेक्स, ऑप्शन सी एएफपी स्टेनिंग, ऑप्शन डी कैविन टेस्ट। तो बताइए दोस्तों कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है। तो दोस्तों इसमें आपके पास यहाँ भी एग्जाम मतलब हिंट दी हुई है कि क्या पूछा गया है, ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट करने के कौन सा डायग्नोस किया जाएगा, ये कौन सा डायग्नोसिस प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड मोंटेक्स। ये कौन सा डायग्नोस्टिक प्रोसेस है हमारा, मोंटेक्स प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, मोंटेक्स प्रोसेस है वन ऑफ द बेस्ट मेथड है टू डिटरमाइन माया बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को डिटरमाइन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। देन नॉर्मल रेंज क्या होती है मोन्टेक्स की, अगर आपको पता हो, ठीक है। अगर कोई इंड्यूरेशन, ये हमने कैसे दिया, इंट्राडर्मल दिया है, सबसे पहले तो हमें इंजेक्शन का तरीका बताना चाहिए किस टाइप से हम इंजेक्शन दे रहे हैं, इंट्राडर्मल दे रहे हैं। अगर यहाँ इंट्राडर्मल हमने किसी पेशेंट को इंजेक्शन दिया, जो ये इंड्यूरेशन साइट है जो आपको दिख रही है, अगर ये मोर देन 15 मिनट्स में जो है इसका ड्यूरेशन का साइज इंक्रीज हो जाता है, अवेयरनेस हो जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव मॉन्टेक्स बोलेंगे, पॉजिटिव मॉन्टेक्स बोलेंगे, ओके। तो ये तो हो गया मॉन्टेक्स के रिगार्डिंग, ओके। देन हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई दिस डिवाइस यूज इन रिसुसिटेशन। जो भी सिचुएशन के टाइम पे इस डिवाइस का यूज किया जाता है उसका नाम क्या है, तो दोस्तों बताइए क्या है इसका नाम। तो दोस्तों जो रिसुसिटेशन के टाइम पे जिस ये डिवाइस तो यूज की जाती है, दिस इज कॉल्ड डिफिब्रिलेटर। क्या ये हमारा डिफिब्रिलेटर है, और आपने दिखाई दिया हो तो इसमें दो पैडल दिए हुए हैं जो हम पेशेंट की चेस्ट पे लगाते हैं लेफ्ट एंड राइट पे। देन हम फिर यहाँ पे एनर्जी जूल सेट करते हैं कितने जूल में हमें उसको करंट देना है। देन इसके जो ये रेड रेड पॉइंट दिखाए गए हैं इनको हम प्रेस करके ऑल क्लियर करके हम पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक डिलीवर करते हैं, ठीक है। तो आपको याद आ गया होगा व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड डिफिब्रिलेटर। नेक्स्ट में आपको बता दो पल्स ऑक्सीमीटर कैसा होता है, HCO2 मॉनिटर कैसा होता है, इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज कॉल्ड आवर पल्स ऑक्सीमीटर, जिसमें कंप्लीट हमारे रिदम्स आती है और SpO2 लेवल आता है। अब हम उसमें पेशेंट का रेस्पिरेशन लेवल भी देखते हैं, पेशेंट का हम बीपी भी चेक कर सकते हैं, पल्स रेट देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ से हम दिस इतना चेक करते हैं। दिस इज कॉल्ड ETCO2 अडेप्टर, इसमें हम पेशेंट पेशेंट का CO2 लेवल चेक करने के लिए मेनली यूज किया जाता है। जब पेशेंट हमारे इंट्यूबेटेड होते हैं उस टाइम पे हम उनका CO2 लेवल चेक करने के लिए हम यूज करते हैं ETCO2 अडेप्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज, जो फॉलोइंग इमेज दी गई है वो किस चीज की है, उसको आइडेंटिफाई करना है। आपके पास ऑप्शन है वेंटिलेटर, ऑप्शन बी डायलिसिस मशीन, ऑप्शन सी एचएफएमसी, ऑप्शन डी क्रैश कार्ट। तो बताइए ये किस चीज की इमेज आपको दी गई हुई है। तो दोस्तों जो आपको ये इमेज दिखाई गई है ये इमेज है वेंटिलेटर की। जब कोई पेशेंट हमारा किसी कार्डियक अरेस्ट में या हम शॉक में जाता है तो उसके हम उसका यूज करते हैं, तो उसको वेंटिलेटर। अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा डायलिसिस मशीन ऐसे से ब्रश कार्ड कैसा होता है आपको उसके बारे में बताना चाहिए। आवर डायलिसिस मशीन जो यूज इन डायलिसिस प्रोसेस में हमारी यूज की जाती है, जब किसी पेशेंट की किडनी फेल हो जाती है तो उस केस में ये यूज की जाती है। इस इज द क्रैश कार्ट यूज टू इन इमरजेंसी सिचुएशन। इसमें हमारे कोई डॉक्टर में हमारे बॉक्स सब सकते हैं या हमारे बोला पता है कि या हमारी ट्यूब रखी होती है, हम उस पर जरूरत करते हैं तो वाले शेप में हमारे ट्यूब्स होते हैं, ऐसे हम क्रैश कार्ट करना कम्प्लीटली हर वॉल में डे उसको रेडी किया जाता है। दिस इज कॉल्ड हाई फ्लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रिमूवर मशीन। ये मेनली हम किसी पेशेंट का मेडिकल सिचुएशन डाउट करता है उसको हाई फ्लो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हम यूज करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यूज ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज, इस इंस्ट्रूमेंट का क्या यूज है उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो आपके पास है ऑप्शन यूज टू क्रिएट ओपनिंग, यूज टू गिव आईवी इंजेक्शन, यूज इन ईयर इरीगेशन एंड यूज इन आई इरीगेशन। सो दोस्तों बताइए ये इंस्ट्रूमेंट जो दिखाया गया उसका यूज क्या है। तो दिस इंस्ट्रूमेंट यूज इन ईयर इरीगेशन, ये तो इरिगेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो जो ये आपके पास इंस्ट्रूमेंट यहाँ दिखाया गया है वो इसे यूज किया जाता है एयर इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट ह्यूमन इज बिलो, जो नीचे इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया उसके अभी पे जो एग्जामिन करते हैं जो इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है उसका नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी ग्लूकोमीटर, ऑप्शन सी डोनोमीटर। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये आंसर कर दीजिए। तो इस बच्चे पे यूज कर रहे हैं मतलब इसके चार्ज को इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा गया है। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ऐसा कर दीजिए। सो दोस्तों दिस इज अ जॉन्डिस मीटर, क्या बोलते हैं इसको हम जॉन्डिस मीटर बोलते हैं। मैंने यूज टू असेस था जो किसी पेशेंट को किसी में बोन चाहिए तो हमें जॉन्डिस असेस करना होता है, उसके लेवल को असेस करने के लिए जो मीटर यूज किया जाता है दिस इज का जॉन्डिस मीटर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दिस इज कॉल्ड थर्मामीटर, ये तो हर किसी के बारे में आप सबको पता ही होगा यूज टेम्परेचर को सेस किसी पेशेंट को फीवर या टेम्परेचर को सेस करने के लिए यूज किया जाता है। दिस इज कॉल्ड ग्लूकोमीटर, यूज टू सेस ग्लूकोज लेवल, दिस इज कॉल्ड फीटरमीटर, यूज टू सेस फीटर हार्ट स्टोन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेम ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट गिवन इन द इमेज, ये जो इमेज में इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है इसका नाम पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास हजार डायलेटर, ऑप्शन बी आईसीडी रिमूवल हुक, ऑप्शन सी यूटेन क्योटेल, ऑप्शन सी ब्राउन शुक। कौन सा पुट कीजिए क्या है इसका आंसर। दोस्तों आंसर कुछ कीजिए,
उसका जो इस इमेज में दिखाया गया उसका नाम पूछा गया है। नाम के साथ साथ आपको पता भी होना चाहिए ये कहाँ यूज होता है। सो दोस्तों बताइए क्या। तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड क्या नाम है इसका, ये जो बुक आपको दिखाया गया इसका नाम आपका ग्रेच बुक। ग्रेच बुक इसका नाम है। किसी ऑब्जेक्ट के केस में हम यूज करते हैं इस ग्रेच बुक का, ठीक है। देन नेक्स्ट में आपको ऑप्शन दिखा दूँ और भी कौन कौन से हैं आपके पास। इस स्कोप बगैर डायलेट टू डायलेट का सर्विस का जो डायलेट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसको यूट्राइन फ्लोट है स्टोर आयन सब का यूट्राइन की मूव करने के लिए जो यूज किया जाता है। और सूर्य रिमूव आई सी डी को रिमूव करने के लिए जो यूज किया जाता है जिस इसका स्टेप होता है जिस पर आई सी डी रिमूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई दिस आइटम, ये आइटम क्या है उसके बारे में पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है नेबुला एज ए मशीन, आपके पास नेबुला एज ए मशीन, ऑप्शन बी स्पाइरल मीटर, ऑप्शन सी स्टील है, ऑप्शन डी सक्शन मशीन। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है आंसर कर दीजिए। तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड स्पाइरोमीटर यूज इन चेस्ट फिजियोथेरेपी में मेनली यूज किया जाता है। जब हम किसी पेशेंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी बताते हैं तो उसमें स्पाइरोमीटर का यूज किया जाता है। फिर पेशेंट को एयर ब्लो करने के इनहेल करने के लिए बोलते हैं और फिर ये बॉल सकती है तो उसके अकॉर्डिंग पता चलता है पेशेंट का पोस्टर कितनी है। देन मैं आपको वो ऑप्शन सिखा दूँ जिस इसको लैब मशीन नेबुलाइजर जिसको बोलते हैं, हम पेशेंट को मेलेट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे इसको स्ट्रीमर पेशेंट को भाप देने के लिए यूज किया जाता है, जैसे इसको पोर्टेबल सक्शन मशीन। कौन सी मशीन है पोर्टेबल सक्शन मशीन, इसको लेफ्ट साइड आगे के पास सक्शन तो हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो भी आपका फीडबैक है या जो भी क्वेरी है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। तो आशा करती हूँ कि आपके ये वीडियो बहुत लाभदायक रहेगी आपको। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो भी आपके डाउट्स हैं जो भी फीडबैक है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं हमारे नेक्स्ट, उसको भी मेंशन कर दीजिए। जो भी टॉपिक में आपको ट्रबल हो रहा है समझने में या कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको मेंशन कर दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे लेके आएंगे। तो दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप लोग चमके पढ़ते रहिए, हंसते हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कंटिन्यू माइंडसेट को क्लियर करने के लिए प्रिपरेशन करते रहिए।